हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। सो आपने मेरा आज का थंबनेल और टाइटल देखे तो आपको पता लगा ही होगा कि आज मैं किस टॉपिक के बारे में बात करूंगी। सबसे पहले कहीं जाने से पहले हमारे माइंड में आता है कि हम कौन सी चीजें लेके जाएंगे। सो मैं जा रही हूँ बैंगलोर और मैंने किस तरह से अपने बैग पैकिंग की है। एक्चुअली आई वॉज पैकिंग माई स्टफ, सो मैंने सोचा कि ये वीडियो आपसे शेयर करूँ, शायद आपको आइडियाज मिल जाएंगी कि हमें बैग पैकिंग किस तरह से करनी है, कितना कम लेके जाना, कितना ज्यादा लेके जाना। ये सारी आइडियाज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। मेरा बहुत सारा सामान है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इतने दिनों के लिए जा रही हूँ, तो मेरा सामान बहुत सारा। और हम सोचते हैं कि एक ही बैग में सारा सामान आ जाना चाहिए, राइट? मुझे ज्यादा बैग्स ले जाना पसंद नहीं, इसलिए मैंने एक ही बैग में सब एडजस्ट किया है। मैंने जाने से पहले सारी चीजें डिसाइड की थी कि मुझे क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि मेरी प्री पैकिंग कैसी हुई है। आई होप कि आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको सारी आइडियाज और सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि हमें किस तरह से पैकिंग करना चाहिए। जैसे मैंने अपने बैग में एडजस्ट किया वो मैं आपको दिखाऊंगी। सो के जाने से पहले अपने सामान की लिस्ट बनाए और जो भी नीडी चीजें हैं वो ही रखनी चाहिए। सो मैंने बैंगलोर जाने के लिए पूरी प्रॉपर लिस्ट बना के रखी है ताकि मैं कुछ भी भूलूँ ना, सारी चीजें मैंने कैसे एड ऑल की है। और ये वीडियो थोड़ा सा रॉ काइंड ऑफ टॉपिक आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा और मैं चाहती हूँ कि ये मेरा वीडियो आप लास्ट तक देखें, जरूर आपको कुछ ना कुछ न्यू आइडियाज मिलेंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन, क्योंकि मैं आपके लिए नए नए वीडियोज लाते रहती हूँ, नई नई चीजें शेयर करते रहती हूँ जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होती है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं पैकिंग की ओर, आई मीन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए हम पैकिंग करते हैं। तो ये है मेरे बैग, इसमें मैं ये सारे कपड़े डाले वाली हूँ। मैंने सारा सामान कपड़ से पहले ही निकाला था ताकि लास्ट में मैं कुछ भी ना भूलूं। मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, थर्ड टाइम पर मैंने अपनी बैग को ठीक से फाइनली अच्छे से पैक किया। सो आई थॉट पैकिंग इज नॉट इजी, बिकॉज मैंने फर्स्ट टाइम बैग पैक किया तो मुझे लगा कि सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो जाएंगी और मैंने बहुत अच्छे से अपने फिर मैंने देखा मेरी पैकिंग सही नहीं जा रही है तो मैंने अपने बैग खाली कर दी। देन मेरे सिस ने आइडिया दी कि मुझे बैग इस तरह से रख कर कपड़ों को छोटा छोटा फोल्ड करके इस तरह से रखने से काफ़ी स्पेस मिलता है, बट मेरे से ये हो नहीं पाया। मैंने ट्राई किया, पता नहीं उससे ये कैसे हुआ, मुझे लगा चलो हो जाएगा मैनेज, मैं ट्राई करते रही। तो मैंने फिर से सोचा दिस इज रॉन्ग वे, देन मैंने फिर से सेकेंड टाइम अपने बैग खाली की, देन आई स्टार्टेड पैकिंग माई बैग्स थर्ड टाइम और मैंने अच्छे से सारे कपड़े रखे। फिर मुझे लगा कि गुड गर्ल राइट टू प्ले। सो बैग में फाइनली कपड़े डाल के हो चुके थे, अभी बारी थी कुछ और चीज़ों की, जो सो मैंने ये क्यूट से बैग में कुछ कुछ चीज़ें रखूँगी। बाहर से तो मेकअप बॉक्स ही लग रहा है बट ये इसके अंदर, इसके अलावा हम और भी नीडी चीज़ें रखेंगे तो हम एक एक करके इसमें चीज़ें रखेंगे। सबसे पहले क्लींजिंग क्रीम, नेल पेंट रिमूवर, स्किन क्रीम रखी है मैंने, ये बहुत कम लगाती हूँ, ना के बराबर, बट ये सारी चीज़ें लेके जाना नहीं भूलती। देन सनस्क्रीन आल्सो मैंने मेडिकल की नीडी चीज़ें भी रखी है, फेस वॉश, एलेनर, मैं बहुत ज़्यादा कुछ मेकअप किट नहीं लेके जा रही, बिंदी काजल लेके जाना ना भूलें। एंड मेरे साथ मैंने अपने सेफ्टी के लिए फ्रूटो लाइट भी रखा है एंड आई कैरी फेविक्विक आल्सो, इफ़ हमारा हेडेक हुआ तो उसके लिए भी मैंने पहले ही सेफ्टी कर ली, बाम, विक्स, टूथब्रश, सेफ्टी पिन एंड उसमें मैंने पॉनीटेल रखे हैं, हेयर पिन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ट्रांसपेरेंट ब्रा स्ट्रैप। ये हमें स्लीवलेस आउटफिट के लिए बहुत बेनिफिशियल है, आप कहीं भी जा रहे हैं पब्लिक या फैमिली फंक्शन या इसे कैजुअली आउटिंग पर जा रहे हैं तो ये स्ट्रैप्स आपको पूरे दिन रिलीफ एंड स्टाइलिश फील कराएगी। सो इसे भी कैरी करना ना भूलें एंड इसे भी मैं रखूँगी विटामिन ए कैप्सूल। और ये मेरी क्यूट सी बैग रेडी है, कुछ कुछ ये मेरे फेवरेट कंचेस जो मैं इनको लेके जाऊंगी, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्यूट से लगते हैं, इसमें मैं प्लास्टिक में कवर करूंगी। ये मेरा क्यूट सा वॉलेट, इसमें मैं चेंज रखूंगी। ये सनग्लास को मैं हार्ड बॉक्स में लेके जाऊंगी जो कि मेरे पास मेरे ओल्ड फ़ोन का रखा था। इसका एक फ़ायदा है कि ये ट्रैवल में हमारे सनग्लास को टूटने से प्रोटेक्ट करता है और हम गर्ल्स को ये हेयर क्लचर्स के बिना तो होता ही नहीं है। और ये टूटने वाली चीज़ों को हम अलग प्लास्टिक बॉक्स में लेके जाएंगे, इसे मुझे कोई भी टेंशन नहीं रहता। सो इसे भी हम कैरी करेंगे। सो हम एक एक करके सारी चीज़ें अपने बैग में रखेंगे। ये अंडर गारमेंट्स है, इसे भी मैं अभी रखूँगी, कहीं पर भी जा रहे तो सॉक्स ले जाना ना भूलें।
मैंने अपनी स्वेटर भी कैरी कर ली है एंड मैंने ये रोज़ वाटर भी रख दिए हैं। एंड मैंने डिफरेंट टाइप के, ज़्यादा नहीं बस 2-3 वॉलेट रखे हैं ताकि मैं इसे डिफरेंट आउटफिट पे कैरी कर सकूं। ट्रैवल में हम गर्ल्स के पास पैड होना बहुत ज़रूरी है, हमें अपने पास इमरजेंसी चीज़ें रखनी चाहिए, सो इसे भी मैंने रख लिया है। बुरा लगता है जब हम घर छोड़ के कहीं और जाते हैं, और मैं इतने दिनों के लिए कभी गई नहीं, बहुत दिनों के लिए जा रही हूँ, तो थोड़ा सा मतलब फील होता है। सो मेरी बैग फाइनली पैक हो चुकी है एंड सेकेंड हम ये बैग लेके जाएंगे, इसमें मैं स्नैक्स रखने वाली हूँ, डिक्शनरी एंड माय फेवरेट डायरी जो कि इसे मैं लेके जाना नहीं भूलती, और मेरी ड्राइंग जो कि मेरी हॉबीज़ है, और ये नोटबुक भी लेके जाऊंगी, और मेरी इंपॉर्टेंट फाइल है तो उसे भी मैं रखने वाली हूँ। तो ये सारा सामान मैं इस बैग में लेके जाऊंगी। और मैं इस बैग के अंदर कैरी करने वाली हूँ स्टेशनरी पाउच, और उसके साथ मैं रखूंगी हेडफोन, जो इसके बिना ट्रैवल बिल्कुल भी अधूरा होता है। सो फाइनली ऑल सेट फॉर बैंगलोर। सो मच आपने ये मेरा वीडियो एंड तक देखा है, आई होप कि आपने एंजॉय भी किया होगा। तो ये थी मेरी इतनी सारी पैकिंग, आई होप यू लाइक माई वीडियो, एंड जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपडेट लेटेस्ट न्यू वीडियो। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। थैंक यू।